यज्ञ के विरुद्ध धरना रामेश्वरम में ज्वालादत्त स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए थे वे तो काफ़ी उत्साहित थे लेकिन आचार्य श्री ने ही मना कर दिया था पता नहीं किस गाड़ी से आना हो उस जमाने में मद्रास अब चेन्नई से धनुष कोटी तक दक्षिण रेलवे की एक गाड़ी आती थी इस रेल में चढ़ने पर बीच के एक स्टेशन पाम्बन पर उतरना होता था कुछ गाड़ियाँ सीधे रामेश्वरम तक भी जाती थीं पर उनके चलने और पहुँचने का समय निर्धारित नहीं था गाड़ियाँ तब भी लेट होती थीं इसलिए भी आचार्य श्री ने मना कर दिया था सामान ज़्यादा नहीं था एक हाथ में छोटा सा बक्सा और दरी चादर की गठरी बगल में दबाए वे सीता तीर्थ के पास ज्वाला दत्त के निवास पर आ गए स्टेशन पर उन्हें कुछ पंडों ने घेरने की कोशिश की थी लेकिन बात बनी नहीं आचार्य श्री की सादगी को उन्होंने दैन्य माना और समझा कि इस ब्राह्मण को यजमान बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा ज्वाला दत्त ने बताया कि यहाँ गायत्री महायज्ञ का विरोध है पंडे पुरोहितों ने अभियान सा छेड़ रखा है विद्वान शास्त्री और धर्माचार्य भी इसके विरोध में है आचार्य श्री ने पूछा कि विरोध किस तरह का है ज्वाला दत्त ने दो तीन घटनाएं सुनाई धमकी भरे पत्र लिखने और चेतावनी देने जैसी बातें तो आम थीं। ज्वाला दत्त ने बताया कि आप पर यानी आचार्य श्री पर हमला भी किया जा सकता है तैयारी के दौरान अब तक सामान्य विरोध तो खूब देखा गया था इस तरह का विरोध पहली बार अनुभव हो रहा था एक स्थान पर पंडों ने प्रचारकों को घेर लिया कहने लगे धर्म विरुद्ध बातें नहीं होने देंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए वह जिस के कानों में नहीं पड़े जोर से बोलकर किया गया जब शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है उनकी आपत्ति यह थी कि गायत्री मंत्र का उपदेश हर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए दिया जा सकता ज्वाला दत्त ने पूर्व की विरोध की ये घटनाएं सुनाई तो आचार्य श्री ने कहा कि गायत्री माता परीक्षा ले रही हैं हम लोग उसमें उत्तीर्ण भी हो रहे हैं यहाँ का यज्ञ सफल होगा उन्होंने इस समय की यात्रा को प्रचारित नहीं करने के लिए कहा था सिर्फ कार्यकर्ताओं से ही मिलना था और रामेश्वरम के तीर्थ भाव को समझना था कहते हैं रामेश्वर किसी जमाने में जमीन से मिला हुआ था प्रकृति में हुए उलटफेर के कारण अंत द्वीप का मध्य भाग दब गया और वहां समुद्र आ गया अब वह करीब 18 किलोमीटर लंबा और 11 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा द्वीप है भगवान राम ने लंका पर आक्रमण के समय यहीं से एक सेतु बनाया था समुद्र में तैरते पत्थरों से बने पुल पर अपार वानर सेना के उस पार जाने की घटना पुराण प्रसिद्ध है उस पुल के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं कहते हैं कि सेतु सौ योजन, करीब 1280 किलोमीटर लंबा था लंका विजय के बाद राम जब वापस लौटे तो उन्होंने धनुष की नोक से सेतु तोड़ दिया जिस जगह सेतु तोड़ा गया वह तीर्थ धनुष कोटी के नाम से विख्यात है रामेश्वरम से यह जगह करीब 23 किलोमीटर दूर है इस तीर्थ में विभीषण राम की शरण में आए थे दोनों की जहाँ भेंट हुई थी वहाँ विभीषण का एक मंदिर भी है प्रसंग ग्यारह रामेश्वरम में अनुग्रह रामेश्वरम पहुँचकर आचार्य श्री ने कुछ देर विश्राम किया और ज्वाला दत्त को साथ लेकर लक्ष्मण तीर्थ गए रामेश्वरम मंदिर के लिए जाते हुए यह तीर्थ रास्ते में आता है सड़क के दाई ओर विशाल सरोवर बना हुआ है चारों ओर पक्की सीढ़ियाँ और बीच में एक मंडप आचार्य श्री कुछ देर के लिए सीढ़ियों पर बैठे उनके बैठने के स्थान से नीचे वाली सीढ़ी पर ज्वाला दत्त बैठ गए आचार्य श्री सरोवर के जल को निहार रहे थे कुछ लोग सरोवर में स्नान कर उत्तर दिशा में बने शिव मंदिर की ओर जा रहे थे कहते हैं कि इस मंदिर या यहाँ के शिव विग्रह की स्थापना लक्ष्मण ने की थी वहाँ दर्शन कर निकलते हुए लोग पास ही बने मंडप में मुंडन आदि कराते और श्राद्ध तर्पण में लग जाते वे श्राद्ध तर्पण के बाद लक्ष्मणेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे मनुष्य तो एक स्वतंत्र इकाई है ना? फिर उसे हर घड़ी अपने पूर्वजों को क्यों याद रखना चाहिए आचार्य श्री सीढ़ियों पर बैठे आचार्य श्री के सामने दक्षिण भारतीय शैली की धोती बांधे एक तमिल ब्राह्मण ने पूछा वह अचानक ही आ गया था आचार्य श्री के रामेश्वरम में आने का किसी को पता नहीं था उस ब्राह्मण को किसने सूचना दी होगी ज्वाला दत्त और आचार्य श्री दोनों सोच रहे थे आचार्य श्री ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया मनुष्य की स्वतंत्रता उसके अनुरूप में है सृष्टि के विराट परिकर और अपने पूर्वजों की परंपरा में ही वह स्वतंत्र है स्वतंत्रता और आलंबन दोनों ही पर्याय हैं एक परंपरा का अंग होने के नाते उसे अपने पूर्वजों का भी स्मरण करना चाहिए उत्तर देने के बाद भी आचार्य श्री उस ब्राह्मण के बारे में सोच रहे थे कि कहाँ देखा होगा उनके कौतूहल का समाधान पंडित ने ही किया वह बोला आश्चर्य मत करो मैं आपसे करीब एक वर्ष पहले मथुरा में मिला था तब आप वहां पूर्णाहुति महायज्ञ करा रहे थे उस समय हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई थी तब भी मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता था मैंने जो उत्तर दिया वह यथोचित यत। है या नहीं आचार्य श्री ने कहा उस पर ब्राह्मण जिसका नाम रामलिंगम था बोला मैं तो मान लूंगा कि आपने सही उत्तर दिया है लेकिन यहाँ जो लोग आपका विरोध करने पर उतारू हैं उनका समाधान कैसे करेंगे मैं उनके सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश करूँगा श्री ने कहा रामलिंगम का कहना था कि अपना पक्ष रखने का लाभ तो तब होगा ना जब वे समझने के लिए तैयार हों उनका उद्देश्य तो आपका यज्ञ किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है उन लोगों ने क्या तय किया है वे जाने हमने यज्ञ भगवान की साक्षी में संकल्प किया है कि उनकी एक आराधना यहाँ भी करेंगे देव और ऋषि सत्ताओं के सामने लिए गए संकल्प को अधूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता आचार्य श्री के उस उत्तर पर रामलिंगम ने ताली बजाई वह कहने लगा जो प्रश्न मैंने आरंभ किया था वही गायत्री महायज्ञ से विरोध रखने वाले भी करते हैं वे आपके किसी तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे फिर हम उन्हें समझाने के श्रम से भी बच जाएंगे यह तो और अच्छा रहेगा आचार्य श्री ने कहा इस पर रामलिंगम का कहना था कि वे इस पर भी यज्ञ करने से तो रोकेंगे ही सही आचार्य श्री ने कहा रोकते रहें हम अपने संकल्प को पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर वे लोग आपके जान माल को नुकसान पहुंचाए तो भी अपना संकल्प नहीं बदलेंगे रामलिंगम ने कहा आचार्य श्री का उत्तर नहीं ही था इस पर रामलिंगम ताली बजा बजाकर झूम सा उठा उसने कहा तब तो मैं आपके साथ हूं मैं शास्त्र से ही नहीं शस्त्र से भी उनका मुकाबला कर सकता हूँ पलिल कोल पेरुयाल मंदिर के पास एक अखाड़ा चलाता हूँ अठारह युवक रामदूत हनुमान की साक्षी में बल की उपासना करते हैं मुझे आप जैसे वीर पुरुष का साथ देने में गर्व का अनुभव होगा ज्वाला दत्त ने उस ब्राह्मण का परिचय और पता ठिकाना लिया उसके बाद आचार्य श्री ने सरोवर में स्नान किया कहते हैं कि लंका विजय से लौटकर भगवान श्री राम ने पहले इसी सरोवर में स्नान किया था इसलिए रामेश्वरम की यात्रा करने वाले बटुक भी मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले यहाँ स्नान करते हैं रामेश्वरम मंदिर भारत के पांच प्रमुख मंदिरों में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है लगभग चौवन मीटर ऊंचे गोपुरम से मंदिर में प्रवेश होता है समुद्र के किनारे करीब बीस बीघे जमीन पर बना यह मंदिर साढ़े तीन सौ साल पुराना है ज्वाला दत्त के साथ चलते हुए मंदिर के संबंध में प्रचलित जनश्रुतियों की चर्चा चल पड़ी कुछ किव दंतियों के अनुसार लंका विजय पर जाने से पहले राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी कुछ स्थापनाओं के अनुसार विजय से लौटते हुए उपासना में अभेद आचार्य श्री का कहना था कि दोनों उल्लेखों में भेद है लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता दोनों ही उल्लेख शिव और राम की उपासना में अभेद को दर्शाते हैं विजय के बाद रामेश्वर की स्थापना ज्यादा युक्ति संगत है युद्ध के बाद भगवान राम गंधमादन पर्वत तक आते हैं उनका स्वागत करने के लिए वहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं उन्हीं में कोई मुनि रावण वध के लिए राम की निंदा करते हैं उनका कहना था कि रावण कितना ही दुराचारी हो पर था तो ब्राह्मण ही उसका वध नहीं किया जाना चाहिए था उसे पकड़ लिया जाना था कारावास में बंदी बना लेते वहीं पड़ा रहने देते उसका वध अनुचित था राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है उसका प्रायश्चित किए बिना राम का कलुष नहीं मिटेगा प्रायश्चित के रूप में शिवलिंग की स्थापना और पूजा अर्चना की व्यवस्था दी गई शिव मूर्ति लाने के लिए हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया चर्चा करते करते आचार्य श्री बोले देखो हनुमान को शिव का अवतार माना गया है वे राम की आराधना कर रहे हैं राम शिव की अर्चना के लिए उन्हीं के अवतार को कैलाश भेज रहे हैं है ना भक्ति की विभिन्न धाराओं का समन्वय कहते कहते आचार्य श्री माधव तीर्थ के पास रुके रुके क्या उन्हें जैसे किसी ने बरबस ही रोक दिया मंदिर के पश्चिम द्वार से प्रवेश करने पर यह तीर्थ ठीक सामने पड़ता है यहाँ एक सरोवर है उसमें स्नान मार्जन कर सेतु माधव के मंदिर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ना होता है सरोवर के पास रुककर वे कहने लगे समन्वय ही मूल बात नहीं है असल बात और है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्हें मर्यादा या परंपरा के साथ न्याय और औचित्य की स्थापना भी करनी थी न्याय की प्रतिष्ठा के लिए रावण का वध किया और मर्यादा का निर्वाह करते हुए प्राश्चित भी किया नई परंपराओं की स्थापना का अधिकार उन्हीं विभूतियों को है जो पुरानी और प्रचलित परंपराओं का आदर करते हैं क्या गायत्री महायज्ञ का विरोध करने वाले लोग भी किन्हीं परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ज्वाला दत्त ने पूछा आचार्य श्री ने कहा कि वे सिर्फ हठ धर्मिता बरत रहे हैं वरना गायत्री मंत्र पहले सभी का आराध्य उपास्य था इसकी उपासना किए बिना कोई शास्त्र और साधना का आरंभ कर ही नहीं सकता था सेतु माधव के मंदिर में दर्शन करते हुए आचार्य श्री माधव तीर्थ के पास आए रामेश्वर की विशेषता है कि यहाँ बाईस जगह स्नान आचमन मार्जन आदि की व्यवस्था है यात्री सभी तीर्थों में स्नान करते हैं अपने साथ लोग रस्सी बाल्टी लेकर चलते हैं और हर तीर्थ से जल निकालकर स्नान करते जाते हैं मंदिर परिकर के बाहर भी दो तीर्थ हैं उन सब के दर्शन और मार्जन करते हुए आचार्य श्री सभा मंडप के पास पहुंचे सभा मंडप के उत्तर में विश्वनाथ मंदिर है यहाँ हनुमान जी का लाया हुआ शिवलिंग है इसलिए नाम हनुमदीश्वर है कथा प्रसिद्ध है कि लंका से वापसी के समय भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना और पूजा अर्चना का निश्चय किया उस संकल्प को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत से विग्रह लाने का निश्चय हुआ वहां से शिवलिंग लाने में देर हुई सुबह होने लगी इधर पूजा अर्चना का मुहूर्त निकला जा रहा था मुहूर्त चूक नहीं जाए इसके लिए सीता ने बालू से शिव मूर्ति का निर्माण किया उसमें प्राण प्रतिष्ठा और पूजा उपचार के कर्मकांड आरंभ हुए यह प्रक्रिया आरंभ हुई ही थी कि हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर आ गए पूजा उपचार चलने तक उनके लाए हुए विग्रह को एक और स्थापित कर दिया गया बाद में में उस विग्रह में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वह स्थापना विश्वनाथ या हनुमदीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, लोगों का विश्वास है कि हनुमदीश्वर के दर्शन किए बिना रामेश्वर मंदिर की पूजा सफल नहीं होती विश्वनाथ मंदिर से निकलकर आचार्य श्री मुख्य मंदिर की ओर गए मंदिर के सामने छड़ों का घेरा लगा हुआ था ताकि दर्शन में किसी तरह की अव्यवस्था न हो उस समय ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी तीन द्वार पार कर लोग आसानी से मंदिर के भीतर पहुँच रहे थे आचार्य श्री छड़ों के घेरे के पास ही ठहर गए और मुख्य द्वार को गौर से देखने लगे विख्यात है कि रामेश्वर मंदिर में हरिद्वार से लाया गंगा जल ही चढ़ाया जाता है यह भी कि शिवलिंग पर कोई व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं जल नहीं चढ़ा सकता उसे गंगाजल पुजारी को सौंप देना पड़ता है